Hey, what's up guys, welcome to my YouTube channel Technical Pruthvi. So guys, today in this video, आज मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा कमाल का हेडफोन जहां पर आप इसे एज अ स्पीकर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पर आप जाते हो, जहां पर आप घूमने के लिए जाते हो, दोस्तों के साथ अगर छोटी पार्टियां करते हो तो ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा. सो गाइज, इसी की प्राइस और इसके फीचर्स के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. गाइज, इंट्रोड्यूसिंग Muveacoustics हेडफोन्स. तो यहाँ पर अगर सबसे पहले बता दूँ तो यहाँ पर इसकी जो खासियत है वो है कि आप इसे एज अ स्पीकर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो. साइड में दिया गया है वन टच, जहाँ पर ये Muveacoustics का एक नेक्स्ट लेवल हेडफोन है और आप इसे काफ़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो इवन क्राउड में भी. यहाँ पर आप इसे एज अ स्पीकर भी इस्तेमाल कर सकते हो. सिंपली आपके इसके जो नीचे के जो ईयरबड्स है उसको टर्न करना पड़ेगा और वहाँ पर एक स्पीकर की तरह लगने लगेगा. अब इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो साउंड क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है और जब आप इसे एक स्पीकर में टर्न करेंगे तो भैया यहाँ पर आपकी जो साउंड क्वालिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. आप इसे एंड्रॉयड, iOS एवन ब्लैकबेरी जैसे बहुत सारे iOS डिवाइस से भी इसे कनेक्ट कर सकते हो. इसकी कनेक्टिविटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. इसकी जो वायरलेस डिस्प्ले कनेक्टिविटी है वो काफ़ी कमाल की है और इसके जो बैटरी बैकअप है वो है 18 आवर्स का. यहाँ पर आप इसे योगा अगर करते हो तो योगा के बीच में भी इस्तेमाल कर सकते हो. इवन जिम में अगर आप साइकिलिंग करते हो तो यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हो. अगर आप कहीं पर जाते हो पार्टीज में, कहीं पर अगर अपने दोस्तों के साथ, तो वहाँ पर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो. अगर बात करें इसकी प्राइस की तो आपको ये इंडिया में इसका जो लिटिल वर्जन है वो मिल जाएगा, क्योंकि ये अभी किकस्टार पर अवेलेबल है और इसे आने में काफ़ी समय लगेगा. तो फिलहाल आप इसका जो नीचे का वर्जन है वो ले सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहां पर जाकर आप इसे परचेस कर सकते हो. अगर बात करें इसकी प्राइस की तो इसकी प्राइस आपको पड़ेगी 1200 रुपीज़ के आसपास. अब यहां पर ए आने के बाद इसकी प्राइस और भी ज़्यादा कम हो जाएगी. अगर बात करें इसके कंट्रोल्स की तो इसमें बिल्ट इन कंट्रोल्स दिए गए हैं और यहाँ पर इसमें जो हार्डवेयर यूज़ करा गया है वो काफ़ी कमाल का है. नीचे के जो रबर्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, जो आपको इरिटेट होने से बचाते हैं. यहाँ पर आपको कोई भी इसमें ऐसी कमियाँ देखने को नहीं मिलेगी जो कि आपको अदर हेडफोन्स में देखने को मिलती है. यहाँ पर अगर बात करें इसकी कनेक्टिविटी की तो भैया कनेक्टिविटी आप ब्लूटूथ से भी इसे कनेक्ट कर सकते हो और एज ए ईयरफोन आप इसे वायर्ड से भी कनेक्ट कर सकते हो. नीचे आपको 3.5 mm का जैक मिल जाता है, जहाँ पर आपको इसके साथ एक 3.5 × 3.5 जो एंड होता है इसका, ये भी मिल जाती है वायर. तो वहाँ पर आप इसे कनेक्ट करके सीधा स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हो. सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हो. सो गाइज, दिस इज मी पृथ्वी और थैंक्स फॉर वॉचिंग.